हे गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे आप जानते हो टाइटल से इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ होता है प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ की इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे ओके तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव करेंगे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब प्रोजेक्टाइल मोशन का नॉलेज आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहता है अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर किसी पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोजेटाइल मोशन तो सपोज ये एक्सन वाई एक्सिस है ओके okay. और ओ पॉइंट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया तो ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और ओ इज ऑल्सो द ओरिजिन ठीक है यहाँ से हमने किसी बॉडी को सपोज ऐसे थ्रो कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी यू बार ओके एंड एट एन एंगल थीटा सो ये ऑब्जेक्ट कैसे फ्लाई करेगा आपको मालूम है इट विल फ्लाई लाइक दिस ओके तो ये होता है प्रोजेटाइल मोशन अब जब बॉडी प्रोजेटाइल मोशन परफॉर्म करती है तब वो बॉडी एक साथ दो डायरेक्शन्स में ट्रैवल करती है दिस बॉडी वेन मूविंग ऑन द प्रोजेटाइल सो ये बॉडी जब है एक्स एक्सेस पर भी ट्रैवल कर रही है और वाई एक्सेस पर भी ट्रैवल कर रही है ओके सिंपल वर्ड्स में ये बॉडी एक्स एक्सेस की तरफ भी बढ़ रही है और वाई एक्सेस की तरफ भी बढ़ रही है तो इट्स अ मोशन इन टू डायमेंशन तो लेकिन हम लोग जो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस है उसको सेपरेटली स्टडी करते हैं और मोशन अलॉन्ग वाई एक्सेस सेपरेट होता है दोनों को सेपरेटली करना पड़ता है और बाद में इनको कंबाइन कर दिया जाता है तो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड मोशन अलॉन्ग वाई एक्सेस शुड बी स्टडीड सेपरेटली तो उसके लिए हम क्या करेंगे आज वी विल रिजॉल्व दिस वेलर सर यू बार इंटू द टू कॉम्पोनेंट्स दो कॉम्पोनेट्स में यू बार को रिजॉल्व करेंगे ये देखिए ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है उसको नाम देते हैं यू एक्स और इसका जो वाई कॉम्पोनेंट है इसको नाम देते हैं यू वाई बट थीटा एंगल यहाँ पर है तो दिस कंपनी विल बी यू कॉस थीटा दिस यू नो और जो वाई कंपोन है बराबर ये आपको मालूम है अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजटरी अपने को डिराइव करना है तो उसके लिए क्या होगा कि जो ओ पॉइंट है इसके आगे समवेयर हेयर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट पी इज नॉट ए स्पेशल पॉइंट एक जनरल पॉइंट है ऑन द पाथ पाथ के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो अब पी के सपोज कॉर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमो वाई ओके एंड suppose body reaches from O to P in the time of T seconds. Okay. T seconds सेकेंड्स में बॉडी ओ से पी पहुँच गई अब बॉडी जब P पॉइंट पर है तो P की कॉर्डिनेट है x कॉमर वाई तो हम क्या कर सकते हैं देखिए P पॉइंट से अगर आपने इसे परपेनिकुलर ड्रा किया तो दिस विल बी इक्वल टू द एक्स कॉर्डिनेट ओके ओके और P पॉइंट से यहाँ पर ऐसे परपेनिकुलर ड्रा किया तो दिस मच इज़ नथिंग बट वाई कॉर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट इज इट सो दिस मच इज नथिंग बट वाई ओके आपको मालूम है ओके okay. अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेट्री जल्दी से डिराइव करते हैं सबसे पहले कंसिडर द मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस फर्स्ट अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो मोशन है उसको कंसिडर करते हैं अब देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सेस जब ये प्रोजेटाइल मूव कर रहा है तो अलॉन्ग एक्सएक्सेस इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा इज एब्सोल्युटली नो फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ग्रेविटी जो है वो वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगा एंड हम लोग यहां पर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो एयर भी नहीं एक्ट कर रहा है इसलिए अलॉन्ग एक्स एक्सेस दर इज नो फोर्स अब फोर्स नहीं है तो एक्सलरेशन भी नहीं होगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन देर इज नो एक्सेलरेशन और एक्सलेशन नहीं है तो वेला सीडी कॉन्स्टेंट रहेगा जो वेला सीडी है यू एक्स वैलास अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ये रहती है कॉन्स्टेंट सो okay. so, क्योंकि वैला सीडी कॉन्स्टेंट है तो हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस डिवाइड बाय टाइम टेकन इज नथिंग बट वैलासिटी अलॉन्ग एक्स एक्सेस ये फॉर्मूला मैंने एक्स एक्सेस की तरफ लगाई है ठीक okay. है तो ध्यान से देखो जब बॉडी ओ से पी जा रहा है ओ से पी तक जाओ तो वाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सेस फ्रॉम ओ टू पी मेन द बॉडी गोज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस इज दिस एक्स कॉर्डिनेट तो डिस्प्लेसमेंट एक्स आएगा टाइम मैंने बताया था स्मॉल टी टाइम सपोज लगा है ओ से पी पहुंचने में तो टाइम टी ले लो वैला से अलॉन्ग एक्स एक्सेस हम लोग यू एक्स लेंगे ओके ओके अब यू एक्स और टी को आप इंटरचेंज कर लो सबको इससे टी मिल जाएगा टी विल कम इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यू एक्स यू एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे यू कॉस थीटा है तो स को हम लोग यू कॉ सीधा ले लेंगे गिव इट फर्स्ट इक्वेशन ठीक है तो ये सबसे पहले आपको टाइम मिल गया टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ओ टू पी अब ये हमने कंसिडर किया मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस राइट नाउ वी विल फोकस ऑन दी मोशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन नाउ अब ओ से पी तक जो मोशन है ओनली अलॉन्ग वाई डायरेक्शन उस पर आप फोकस करो ठीक है तो वाई डायरेक्शन में आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा ग्रेविटी फोर्स सो एक्सलेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन अगर बात करें एक्सलेशन अंग वाई डायरेक्शन वो होगी माइनस जी जे कैप Okay. ये नेगेटिव साइन इसलिए डाली गई है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द जी डाउनवर्ड होता है तो क्योंकि डायरेक्शन ऑफ जी सपोज बॉडी यहां पर है तो एम जी फोर्स डाउनवर्ड लगता है जी डाउनवर्ड होता है तो क्योंकि जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए उसको माइनस जे के टर्म्स में लिखा है ओके okay. सो okay. so ये है एक्सेलेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन सो अलॉग वाई डायरेक्शन में एक फॉमला लगा रहा हूँ अभी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओके दिस फॉर्मला एम अपलाइंग फॉर वाई डायरेक्शन तो ये एस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन और ये एक्सोलेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ठीक है तो ओ से पी तक ध्यान से देखो ओ से पी तक हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ये है वाई कोऑर्डिनेट तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज सिंपली ऑर वाई यू वाई इज अ वेलोसिटी इनिशियल ना तो इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा तो यू आई की प्लेस पे यू साइन थीटा आएगा ठीक है अब क्योंकि यू साइन थीटा अपवर्ड है ना इसलिए इसको प्लस में लिया है अगर डाउनवर्ड होता है तो माइनस में श्योरली लेता है इसको टी इज अ टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ओ टू पी ये टाइम है आपका ओ से पी जाने का तो ये टाइम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ t यू राइट एक्स u कॉस थीटा ओके एक्सेलेन लॉन्ग y डायरेक्शन जैसे मैंने बताया है माइनस जी है तो एक्सेशन लॉन्ग y डायरेक्शन माइनस g ले लो, माइनस सिर्फ इसलिए क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो so, इसको यहाँ पे माइनस लेंगे और यू थीटा का डायरेक्शन अपवर्ड था तो उसको प्लस लिया टी इज अगेन अ टाइम टाइम आप ये डाल दो एक्स डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे तो यू वैसे कैंसिल हो जाएगा साइंथीटा डिवाइड बाय थीटा इट बिकम tan थीटर Y is equal to x tan theta minus half g x square स्क्वायर by u square cos square theta. This is nothing but a equation of the trajectory, equation of the path of the projectile. काफी लंबा छोड़ा फॉर्मूला है लेकिन एक दो बार अगर आप इसको बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाएगा y और ये जो x दिख रहा है दीजा एक्स एंड वाई कॉर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट टेकन ऑन दिस पाथ ठीक है अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें वाई और एक्स जो है वो तो कोर्डिनेट्स हैं बाकी जो ये टेन थीटा है और यहाँ पर जो यू कॉस थीटा जी ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं तो एक्सेप्ट वाई एंड एक्स बाकी सब कॉन्स्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे टेन थीटा को चलो मैं ए लिख देता हूँ सपोज वाई कर ए इंटू एक्स माइनस यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है जी टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इन सबको मैं बी लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर तो इसी इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें वाई पावर वन हैल्व और दूसरी तरफ एक्स पावर टू है राइट right? जब भी किसी इक्वेशन में वाई पावर वन एक्स पावर टू होता है तो ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है ठीक okay. है इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास है ये पैराबोला की इक्वेशन है लेकिन ये तो इस पाथ की इक्वेशन राइट right? तो मतलब ये हो गया कि जो पाथ है ये पैराबोला है इन शेप सो इस फॉर्मले से हम लोग बता सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है इट इज पैराबोला इन शेप ठीक डेरिवेशन समझ के लिए ना विल डू जस्ट सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस इक्वेशन पहला ये पहला प्रॉब्लम हम कर लेंगे अभी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो सबसे पहले इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रेजिटाइल की वो गिवन है फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप और अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेटरी ढूंढनी है वीडियो को पॉज करके चाहिए तो पहले आप खुद ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को ठीक है अब देखिए समझने वाली बात है सिंपल टॉपिक है ये सी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है जिससे हम लोग थ्रो करते हैं इट्स ए वी बार इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सेस सो जो एक्स कॉम्पोनेंट होता है वो होता है वी कास थीटा और जो वाई कॉम्पोनेंट रहता है वेलोसिटी का दैट इज वी साइन थीटा बराबर अब देखिए यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट फोर आई कैप के बने मतलब वी थीटा फोर है वाई कॉम्पोनेंट इज फोर जे कैप मतलब वाई कॉम्पोनेंट भी फोर ही है इसका मतलब सिंपल है कि जो इनिशियल वेलासिटी है उसका कॉम्पोनेंट v sin थीटा इट इज फोर

यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वेशन ऑफ डजिट्री वाईक् टू एक्स टेन थीटा देखिए टेन थीटा तो हमारे यहाँ पे वन आया था तो टेन थीटा को आप वन डाल दो माइनस जी का वैल्यू टेन लिया जाता है इट्स नाइन पॉइंटेड बट हम लोग न्यूमेरिकल्स में टेन लेते हैं टेक जी एज अ टेन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है यू कॉसिडा मीन्स इनिशियल वैलासिटी का एक्स कॉम्पोनेंट दिस ओनली वी कॉसिटा इज नथिंग बट दिस यू कॉसिटा तो यू कॉसिटा की वैल्यू फोर गेवे ने राइट यहाँ पे फोर डालेंगे फोर का स्क्वायर डेट्स इट वाई गोल एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर टेन अपॉइंट टू फाइव हो जाएगा फोर स्क्वायर सिक्सटीन ये आ रही है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्ट्री ऐंसर देखो सो इस हिसाब से तो थर्ड ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट तो यह है एक प्रॉब्लम आई होप इट्स क्लियर चलिए दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं अभी चलिए ये सेकेंड प्रॉब्लम कर लेते हैं इसमें लिखा है कि जो एक प्रोजेक्टाइल है उसका हॉर्जेंटल और वर्टिकल जो डिसप्लेसमेंट होते हैं एट टाइम टी दे आर गिवन बाय दिस इक्वेशन थोड़ा समझ के लो कि सबसे पहले हॉर्जेंटल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स क्या होते हैं अगर आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया आफ्टर टी टाइम सपोज वो यहाँ पर पहुँच गया आफ्टर टाइम टी तो ये जो है ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी और ये जो है ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी तो जो एक्स है दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इट इज गिवन एज थर्टी सिक्स टी ठीक अब ध्यान से रखो आपको याद होगा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो इसकी वेलोसिटी रहती है वो होती है यू कॉस् थीटा ओके और ये वेलसरी कॉन्स्टेंट रहती है ओके कंटिन्यूसली इट मूव विथ कॉस् थीटा ओनली सो लोग ये कर सकते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस इफ यू फोकस द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज एक्स टाइम लेट सिटी देखिए डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव वेला विच इज़ यू कॉस थीटा देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने इक्वेशन लिखी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेला तो एक्स बिकम यू कॉस थीटा इंटू टी अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ समझ में आ जाएगा कि यू कॉ सीटा एक्चुअली थर्टी सिक्स है u cos it has 36 ye hamara ek equation ban gaya ab along y axis focus karo to तो along y axis ka displacement y hai right so along y axis hum log ye formula laga sakte hain okay s is a displacement along y direction that is y initial velocity जो होती है वो u sin theta होती है along y direction t is a time एक्सलेशन माइनस जी लिया जाता है मतलब माइनस नाइन पॉइंट एट लिया जाता है इन टू टी स्क्वायर तो दिस इज अक्वेशन विच वी हैव अप्लाइड फॉर मोशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ओके सर अब अगर आप इसको कंपेरिजन करोगे ओके सो ये इक्वेशन के साथ और इन दोनों को कंपेरिजन करो तो यहाँ पे टू वाई है और यहाँ पर वाई है बेसिकली तो एक काम करेंगे ना इसको दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर देंगे लेट्स से अगर टू वाई इक्व टू यू साइन थीटा टी माइनस नाइन पॉइंट एट टी स्क्वायर बन जाएगा इसी इक्वेशन को मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब ये दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो दे आर वेरी मच कंपेरेबल तो कंपेरिजन अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टू यू साइन थीटा एक्चुअली वो जो है नाइन्टी सिक्स है टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स सो यू साइन थीटा विल बी नाइन्टी सिक्स बाई टू दैट इज़ फोर्टी एट यहाँ पर मुझे यू थीरा की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर मेरे पास यू थीरा की वैल्यू है ओके okay. ठीक है अब एक्चुअली में अपने को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है बराबर सो so, यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले अगर डिवाइड कर दें यू साइंथरा डिवाइड बाई यू कोसिरा कर दें तो टेंथ हीटर मिलेगा टेंथ हीटर विल भी फोर्टी एट डिवाइड बाई थर्टी सिक्स राइट दैट इज़ फोर डिवाइडेड थ्री सबसे पहले टेंथ थीटा आपको फोर बाय थ्री आ सकता है अब टें थीटा तो ठीक है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो साइन के टर्म्स में है सारे ऑप्शन सो सो इसका मतलब है हमें टें थीटा से अब साइन थीटा निकालना होगा सो so, इसके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे लाइक दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओके इसका ऑपोजिट साइड फोर बना लेंगे एडजेसेंट साइड थ्री अब ये ट्रायंगल में आप टेंथ थीटा लगाओगे तो आ जाएगा फोर बाय थ्री राइट बाय पैथागोरस दिस विल बी फाइव इन दिस्ट एंग्लाई साइन थी अपन फाइव ओकेटा लगाओ तो आपको फोर बाय थ्री मिल रहा है तो फोर बाय थीटा हुआ साइन इनवर्स ऑफ फोर बाय फाइव दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन साइन इनवर्स ऑफ फोर बाय फाइव राइट दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करके बैठेगा सो आई होप ये क्लियर है तो इसके साथ हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजिक्ट्री को क्लियर कर दिया ओके विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो